लाइव रिजल्ट आपको आज बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाई है और इसको मैं रिमूव करके बताऊंगी इस होममेड मेकअप रिमूवर से। तो यहाँ पे मैंने डिप किया है कॉटन पैड पे और आप देख सकते हैं एक बार के स्वाइप से ही ये हमारा मेकअप रिमूवर पूरा हटके बाहर आ जाएगा और बिल्कुल भी स्टेन और बिल्कुल भी स्पॉट लिपस्टिक का आपके स्किन में नहीं रहेगा। हमारी फर्स्ट रेमेडी होगी मेकअप रिमूवर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको आसानी से घर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिमूवर बनाऊंगी, अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल लूंगी। इसके साथ में इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसेंशियल ऑयल। आपके पास कोई भी तरीके का एसेंशियल ऑयल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 to 4 ड्रॉप इसमें एसेंशियल ऑयल की मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैं आधी चम्मच के करीब इसमें ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब एलोवेरा जेल ऐड किया है। अब इन तीनों को अच्छे से कर दीजिए मिक्स, ठीक है, और एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिए। अभी ठंड का मौसम है इसलिए इसका कोकोनट ऑयल है थोड़ा जम रहा है। इसके साथ ही आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं आपको डेमो बता देती हूँ किस तरीके से आप इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ली है और मैं आपको लिपस्टिक का स्वाइप करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाई है और ये मैट लिपस्टिक है, अच्छे से वाटरप्रूफ है और ये लिपस्टिक नहीं हटेगी। तो इस लिपस्टिक को ड्राई होने तक का मैं वेट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपस्टिक बिल्कुल ड्राई हो रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हटके नहीं आ रही है ये। अब हम इसको रिमूव करते हैं अपने स्पंज से। जो भी आपके पास कॉटन पैड है उसको लीजिए और इस मेकअप रिमूवर में डिप करिए और आपको इस तरीके से हटाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पहले रब करिए और एक बार के स्वाइप से ही पूरा आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा। आप खुद लाइव रिजल्ट देख लीजिए, हो गया आपका पूरा मेकअप रिमूव और सारा मेकअप इस कॉटन पैड में आ गया है और बहुत अच्छा है। अगर आप फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, काजल यूज कर रहे हैं, लाइनर यूज कर रहे हैं या फिर आई शेडो है, ब्रॉन्जर है, जो भी आपका मेकअप है वो आपका पूरा पोर्स से, आपके अगर पोर्स में घुस गया है फाउंडेशन, पूरा आपके पोर्स से सारा फाउंडेशन ये निकाल देगा ये मेकअप रिमूवर। तो जरूर बना करके देखिए। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को जरूर बनाइए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और कौन कौन से ब्यूटी हैक्स क्या क्या चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी ही रेमेडी और ऐसी ही ब्यूटी हैक्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।